Hey, what is up guys, this is Soma and welcome back to another exciting KineMaster editing tutorial. Guys, अगर आप एक मामूली सा फोटो को अगर आप लाइव बनाना चाहते हैं वो भी एंड्रॉइड की मदद से KineMaster की मदद से तो इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखते रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। वो अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में नोटिफिकेशन बेल को जो दबाना ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन और वीडियोस आपकी मिस ना हो जाए। तो चलो यार शुरू करते हैं। ओके गाइस, आपको जाना होगा KineMaster में और एमटी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके मीडिया ब्राउजर से अपना जो बैकग्राउंड है आप कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो जो मटेरियल मैं यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो एडिटिंग के लिए उसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक जिप फाइल के अंदर, तो उसको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और सारे के सारे आप मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट्स में जाना है और रिफिल वाला जो होता है इफेक्ट्स उसको डाउनलोड करके आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है, एस एस स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको इधर सेट करना है, ठीक है, और आपकी जो वेब स्पीड है उसको हाई करना है, 21 करना है और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ा देना है। उसके बाद डुप्लीकेट करते जाना है और वाटर जो है जितना वाटर है उसको वेव कर देंगे ताकि अपना जो वाटर है वो ज़रा सा वेव होना चालू हो जाए। ओके, यह है रिफिल इफेक्ट्स, ठीक है। तो मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो को, तो इसीलिए मैं कुछ जगह मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाओगे। ओके, मुझे यकीन है। तो चलो यार, उसके बाद फिर से लेयर में जाना है और झरने की जो ग्रीन स्किन है उसको सिलेक्ट करना है और कोमा की में जाना है, उसको एनेबल करना है और सही से सेट करना है। ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये है, तो आप बहुत ज़्यादा यार कमाल कर सकते हो। तो उसके बाद उसको सिलेक्ट करना है और सेंड टू बैक कर देना होगा। ओके, उसके बाद फिर से लेयर में जाना होगा और दूसरा वाला वाटरफॉल को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तो एक जिप फाइल के अंदर मिल ही जाएगा। उसके बाद आपको क्रॉप कर लेना है, क्रोमा की में जाना है और एनेबल करना है और सही से सेट कर देना है, ठीक है। इसको यार बताना ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है ये कैसे करते हैं। उसके बाद इसका जो सारा का सारा साउंड है उसको आपको डिसेबल कर देना होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा साउंड इफेक्ट मैं आपको दे दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि दो लेयर की वीडियो लेयर सपोर्ट करते हैं। ओके, उसके बाद जो एक्सपोर्ट करा हूँ उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से लेयर में जाना होगा। लेयर में जाने के बाद एक डार्क जो आप लोग देखे हो कि वाटर में डार्क अब तैर रहा है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका जो ग्रीन स्किन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम कर देते हैं इधर से और उसके बाद आपको क्रोमा की में जाना है और सेम तरीके से यार सेट करना है क्रोमा की को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, हमने डार्क बैठ गया, इधर बैठ गया। ओके, उसके बाद इसका जो साउंड इफेक्ट है उसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट यानी डिसेबल, जो भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद फिर से आपको ग्रीन स्किन लेना है, जो अपना जो बटरफ्लाई है जो डांस कर रहा है फ्लावर के ऊपर उसको लेना है। उसको भी हम सेम तरीके से यार क्रोमा की को एनेबल करेंगे, यूज़ करेंगे और इधर वाम कोने में आपको बिठा देना होगा। ओके, लेफ्ट साइड में, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको एक डुप्लीकेट कर देते हैं, देखते हैं कि इधर और लेयर सपोर्ट करता है या फिर नहीं। तो देखिए सपोर्ट नहीं करते तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए फिर से KineMaster में जाते हैं एमटी प्रोजेक्ट और जब एक्सपोर्ट जो चीज़ एक्सपोर्ट किया हो उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी जो एक्सपोर्ट किया हो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको ऐसे करना है और जो खाली जगह है फिर से आपको जो बटरफ्लाई है ग्रीन स्किन उसको सिलेक्ट करना है, क्रोमा की को यूज़ करना है और बिठा देना है सेम तरीके से सेम पोजिशन में। ओके, उसके बाद फिर से जाना है और जो हमिंग बार्ड है उसको भी उसका ग्रीन स्किन आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसका भी आप सेम तरीके से यूज़ करिए, ठीक है, क्रोमा की और कोने में राइट साइड अपर कोने में आपको कर देना है। उसके बाद फिर से उसको डुप्लीकेट करना है और ऐसे कुछ ड्रैग करना है और ऐसे पोजीशन को करना है सेट। उसके बाद फिर से उसको सेव कर देना है गैलरी में। फिर से आपको आना है KineMaster में और जो हमिंग बार्ड जहाँ ख़त्म हो रहा है उसमें जाना है और फिर से हमिंग बार्ड को आपको सिलेक्ट करना है ग्रीन स्किन। ओके, और फिर से आपको क्रोमा की को इस्तेमाल करना है और फिर से सेम पोजीशन में आपको बिठा देना है। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है दोस्तों, मैं फास्ट बता रहा हूँ लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही इजी। ओके,
क्योंकि आपको पता ही है कि क्रोमा की का इस्तेमाल कैसे करते हैं किनेमास्टर में। ये मैं एकदम स्लो तरीके से दिखाना नहीं वाला हूँ क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। उसके बाद आपको आपको क्या करना है, साउंड इफेक्ट देना है वाटरफॉल की, तो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से जाना है हमिंग बर्ड का जो है, वो सारे के सारे आप दे दीजिए साउंड इफेक्ट और सेव कर लीजिए अपनी गैलरी में। बहुत ही ईजी है दोस्तों, सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत ही आसान तरीके कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट छोड़िए अपने कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही सपोर्ट कायम रखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है अभी तो। यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, थर्ड नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना ताकि फ्यूचर के नोटिफिकेशन और वीडियोस आपके मिस ना हो जाए, और स्क्रीन पे दो वीडियो आपके नजर में आ रहे हैं उसके ऊपर टैप करके आप उस दो वीडियो को देख सकते हो। और चलिए भाई यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।